हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सभी के? फर्स्ट क्लास एकदम। और अभी जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमने जो डिमांड वाला पर्टिकुलर चैप्टर था हमारा, वो हमने वाइंड अप करा है। और डिमांड चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जो अगला चैप्टर है, जो अगला नंबर आ रहा है चैप्टर का, वो है क्या हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये चैप्टर बेसिकली क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले वाला चैप्टर जो डिमांड था, उसके कई सारे क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, और उसके अलावा भी कई सारा क्वेश्चन कंटेंट आपको दिया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उन सभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को टाइम से ख़त्म करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप मुझे डेफिनेटली सेंड कर सकते हैं। राइट, ओके। तो अब हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और वो है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बेसिकली काफ़ी हद तक जो पिछला वाला चैप्टर था हमारा, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसी के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो नॉर्मली न्यूमेरिकल बेस्ड है, और जो थ्योरीज, जो एप्लीकेशंस हमने लास्ट चैप्टर में करी हैं, लास्ट में चैप्टर जो ख़त्म किया हमने, उसमें की हैं, उसको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का रूप देंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे, और उन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, राइट? सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। राइट, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं, देखो भाई, लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हमने ये सीखा कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। राइट, ये रिलेशनशिप हमने देखी थी। अब प्राइस मान लीजिए कमोडिटी का 10 है, उसके बाद यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मान लीजिए 200 यूनिट्स है, प्राइस कमोडिटी का हाफ हो गया, 10 से 5 हो गया। तो हमें ये तो पता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़कर कितनी होगी बताइए, क्या वो 250 होगी, क्या वो 300 होगी, क्या वो 350 होगी? अलग अलग वैल्यूज हमारे सामने आ रही हैं। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि प्राइस कम हो जाने पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर प्राइस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज से चेंज हुआ है। अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से चेंज होता है तो उसका असर डिमांड पर पड़ेगा। अब डिमांड पर उसका असर कितने परसेंट से पड़ेगा, इस परसेंटेज को, इस इंपैक्ट को, जो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, उस रिलेशनशिप को ही हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझते हैं इसको। देखिए, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड हमें नहीं पता, राइट? और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा पहले सिंपल कर देता हूं। मान लीजिए प्राइस 10 से कितना हुआ, 8 हुआ, तो ये क्लियर हो गया है कि प्राइस कम हुआ है 2 रुपए से, या फिर आप कह सकते हैं 20% से। ओके, कितना, 20% से। अब यहां पर जो 20% का चेंज प्राइस में हुआ है, उसका असर डिमांड के ऊपर कितना पड़ेगा, यह हमें समझना है। अगर मैं कहूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ED से डिनोट करते हैं, कितना है, 2 है, तो क्वांटिटी में कितना परसेंट का चेंज होगा, 40% का। कितने का चेंज होगा, 40% का। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो ये आपने क्या करा था, 20% का चेंज होगा। अगर जो ED है वो 0.5 है तो कितना, 10% का चेंज होगा। समझ में आ रहा है? एक तरह से जो रेशो की परसेंटेज है, किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रेशो की परसेंटेज है, उसी को हम नाम देते हैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक तरह से टाइम्स है, प्राइस का टाइम्स क्वांटिटी पर। जैसे यहां पर प्राइस कितने परसेंट से कम हुआ, 20% से, ईडी 2 थी, टाइम्स कर दो, ठीक है, 40 आ गया। ये ईडी 1 है, 20 इतना आ गया, 0.5 ये इसका 10% आ गया। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, ओके, थ्योरेटिकली पढ़ लिया। लेकिन अब उसको हमें मैथमेटिकल टर्म की, मैथमेटिकल टर्म में लेकर आना है, और वो असर जो हम यहां पर देखते हैं वही क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इसको धीरे धीरे और क्लियर करेंगे, जो इस क्लास में है ये मीनिंग आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन से।
ओके सबसे पहले इलास्टिसिटी डिमांड की डेफिनेशन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस कॉमा इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. रिपीट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस कॉमा इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. अगर मैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उनकी तरफ जाऊं तो ध्यान दो. सबसे पहले तो ये वर्ड आ रहा है, क्या? रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस किसका? डिमांड का. और उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो क्या है? प्राइस. एक क्या है? इनकम. और एक क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. ध्यान देंगे, यहां पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं किसकी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. तो दैट इज व्हाट डिमांड में क्या हो रहा है? रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्सिवनेस मतलब डिमांड बदल रही है. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज मेजरमेंट. डिग्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट. किस चीज का मेजरमेंट? कि डिमांड जो है कमोडिटी की वो चेंज हो रही है. क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. यहां तक क्लियर हुआ? ओके जी. अब ये तो बताइए कि डिमांड चेंज क्यों हो रही है? अब डिमांड चेंज होने के कई सारे फैक्टर्स हमने देखे थे, वही फैक्टर्स हमने यहां पे लिख दिए कि जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है, वो डिमांड जो है वो इनकम की वजह से भी चेंज हो सकती है, जो डिमांड है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के चेंज होने की वजह से भी उस पर असर पड़ सकता है. क्लियर? तो अगर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है, रिपीट, अगर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है, तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर पड़ेगा, सॉरी डिमांड फॉर द कमोडिटी के ऊपर पड़ेगा. तो उसको अगर हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करें, उसको हम मेजर करें, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. राइट? उसके बाद आगे अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हैं? सो दैट इज वेरी इजी. जो ऊपर डेफिनेशन आपने लिखी है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस, द फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. तो इनकम चेंज हो रही है, सॉरी डिमांड चेंज हो रही है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. सेकेंड पॉइंट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये किसकी वजह से हो रही है? इनकम की वजह से. ठीक है, सो प्राइस हो गया आपका, इनकम हो गया. थर्ड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से, और ये है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से. इज दैट क्लियर? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. रिपीट कर ले मीनिंग को, डिमांड पर पड़ने वाला असर, डिमांड पर पड़ने वाले असर को मेजर करना, उस मेजर को ही हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. ठीक है, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, कितने पार्ट्स होते हैं उसके? तीन पार्ट्स होते हैं. पहला क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दूसरा क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और लास्ट क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस की वजह से, इनकम इलास्टिसिटी इनकम की वजह से, क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस इफेक्ट दूसरे की वजह से, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. ओके, अब आपके सिलेबस में जो आपको टॉपिक कवर करने हैं, तो ध्यान दें, हम सिर्फ कवर करेंगे क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऑब्वियसली
जो इनकम और क्रॉस है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. इज दैट क्लियर? तो हमें यहां पर अपने सिलेबस में, अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही समझ के चलना है, सिर्फ इसी के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करने हैं. इज दैट क्लियर? ओके, चलिए. तो नोट आपने कर लिया होगा होपफुली. ओके, और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं. हेडिंग हम नेक्स्ट डालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, हाँ जी. तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं ईडीपी से. ईडीपी, सो ईडीपी इज द रेशियो बिटवीन, ईडीपी इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला बनेगा आगे चल के, और अभी जो डेफिनेशन हमने लिखी है दोनों ऑब्वियसली सिमिलर होंगे. तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये क्या है, ये रेशो है. ये क्या है, ये रेशो है. किसके बीच में? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, इसको भी हम फॉर्मूले का रूप देंगे और उसी के बिहाफ पे न्यूमेरिकल करेंगे. उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम जरा जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ ईडीपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो सीखने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पहले उनकी बात कर लेते हैं. हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके चार मेथड देखेंगे. ठीक है, पहला है वेरी सिंपल परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद है ज्योमेट्रिक मेथड, एंड द लास्ट इज आर्क मेथड. ओके जी, ये चार मेथड होते हैं. पहला है आपका परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर है ज्योमेट्रिक मेथड, और फिर है आपका क्या, आर्क मेथड. ठीक है, अगेन सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज मेथड पढ़ना है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है, आपको ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ना है, और आपको आर्क नहीं पढ़ना है. ठीक है, आर्क जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसमें है, तो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप आर्क मेथड को पढ़ेंगे. फिलहाल अभी हमें इन तीन टॉपिक्स को कवर करना है. कौन कौन से आपके? परसेंटेज, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इनको, फिर परसेंटेज मेथड जो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, 30 सेकेंड्स में हो जाएगा, कीजिए फटाफट से. डन, क्लियर? आइए हेडिंग डालिए परसेंटेज मेथड. हाँ जी, ध्यान दें, परसेंटेज मेथड में अगर आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने को बोला जाए तो उसे कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, ध्यान देंगे. एडीपी, अगेन इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आप लिख चुके हो. सर हमने कब लिखा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए
जो आपने अभी डेफिनेशन लिखी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जरा उसके बारे में बताएं। वो क्या लिखी थी? ईडीपी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशो बिटवीन, इज व्हाट द रेशो बिटवीन, तो रेशो के लिए लाइन आ गई। ठीक है, किसके बीच में सर? दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्यू टी वाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है और इसे हम पहली इक्वेशन मतलब पहले फॉर्मूले का नाम देंगे। ठीक है, क्लियर। उसे हम अब आगे इसको इससे एक दूसरा फॉर्मूला और बनेगा और मोस्टली वही यूज हुआ करेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? डेल्टा व्हाट इज, पहले इसको डिनोट करने से पहले, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्यू डी, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई मैं, क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इन 200। क्लियर, ठीक ऐसे ही नीचे चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इन 200। राइट भाई, ये क्या हुआ सर? भाई देखो, अगर आप किसी भी चीज का चेंज निकालते हो, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालते हो, तो कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए वैल्यू थी 150, 150 से बढ़कर ये कितनी हो गई? 180 हो गई। तो उसका परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? सर आपने बोला 30%, अरे 30% थोड़ी ना हुआ, 30% तो यूनिट्स का चेंज हुआ। ठीक है, ये चेंज हम कैसे निकालेंगे? ये कितने का चेंज हुआ है? 30। सो 30 से डिवाइड, 30 को डिवाइड करा जाएगा 150 से और मल्टीप्लाई किया 100, तो ये परसेंटेज चेंज आएगा, कितना हो गया? 20%। तो ऑब्वियस है, यहां पर भी आपने वही लिखा, ऊपर क्या लिखा आपने? चेंज इन क्वांटिटी, जो चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या? इनिशियल क्वांटिटी, जो पहले वाली क्वांटिटी, और इनटू परसेंटेज के लिए सेम कंडीशन यहां पर, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस और इनटू 100। इसको डिनोट कर लेते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू से, इनिशियल क्वांटिटी को डिनोट करा जाएगा क्यू से और इनटू 100, सेम कंडीशन, दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी इनटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, रिवर्स कर देते हैं इसको अब, दैट इज पी अपॉन डेल्टा पी। क्लियर, और डेल्टा डेल्टा एक तरफ कर देते हैं, देखने में अच्छे लगेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, सो दैट इज योर सेकेंड फॉर्मूला और ये आपका यूज होगा। तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, एक ये परसेंटेज वाला है, ठीक है, एक ही आपका डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू वाला है। ठीक है, क्लियर, एक में परसेंटेज वर्ड यूज हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। तो इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज करना सीखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से फिर देखेंगे ईडी की वैल्यू किस तरह से आती है। क्लियर, आइए इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट टू यू, और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। कीजिए, कंप्लीट, डन। चलिए आगे शुरू करते हैं और अब न्यूमेरिकल्स का दौर शुरू होता है। तो भाई देखो, अगर जो कंटेंट आपको दिया गया है उसमें मैंने 50-60 के अराउंड क्वेश्चंस डाले हैं,
तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास में कर पाएं। तो हाँ, मैं यहाँ पर जो मेन कंटेंट है क्वेश्चंस का वो मैं पूरा का पूरा आपको कराऊंगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो सभी न्यूमेरिकल्स जो बाकी बच जाएंगे उन्हें घर पर पूरा करेंगे टाइमली एक दो दिन के अंदर, और जो भी क्वेरीज होंगी वो डेफिनेटली सेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, श्योर है, 3 से 4 मार्क्स के लिए फ्री के नंबर हैं, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, और उसके हिसाब से फिर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको करा दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बिल्कुल सिंपल वाले से शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 20 पर यूनिट क्वांटिटी डिमांड, आप साथ साथ लिखते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है, साथ साथ लिखते रहिए, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 20 पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड इज 180 यूनिट्स when price falls to rupees 16, ठीक है, price 16 रुपए हो जाता है, then quantity demanded rise to 216 units, okay? फाइंड ईडी, हमें ईडी फाइंड करने के लिए बोला गया। सो एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 20 क्वांटिटी डिमांडेड इज 180 यूनिट्स, जब प्राइस 20 रुपए है तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 180 है। ऐसे ही व्हेन प्राइस फॉल्स टू रुपीज 16 देन क्वांटिटी डिमांडेड राइज टू 216 यूनिट्स, प्राइस 16 हो जाने पर 216 हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप। आपको ईडी निकालने के लिए यहां पर बोला गया है, ओके। सो चलिए ध्यान दें। अच्छा हाँ, मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं, एक में तो वो परसेंटेज वाला स्टार्टिंग में आ गया और एक में डेल्टा। सर इनको यूज कैसे करेंगे? देखो, इनको यूज करने का सिंपल सा तरीका है, अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, कुछ परसेंटेज नाम की चीज आगे पीछे दे रखी है, या परसेंटेज में आंसर निकालना है, मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर परसेंटेज की बात करी गई हो तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला, और अगर परसेंटेज नाम की कोई भी चीज नहीं है ना ही उसमें आंसर निकालना है तो आप उसमें सिंपली डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो सेकंड वाला हमारा आया था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि हमारा आंसर जो है वो गलत ना हो, बिल्कुल सही कैलकुलेशन रहे इजीली, और उस चीज वो क्या है ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले, आप, हाँ जी, टेबल बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। टेबल क्या सर? एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 20 क्वांटिटी डिमांडेड थी 180, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 16 ये था 216, ठीक है, क्लियर। और अब ये, अगर आप ये टेबल बना लेंगे, मैं आपको बता दूं आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, गलती का स्कोप नहीं रहेगा, ओके। अब यहां पर हम क्या करें, आइए सॉल्व करते हैं, इसी से कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा वाला। सो ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये फॉर्मूला आपने लगाया। अब क्या करें इसमें, डेल्टा क्यू क्वांटिटी का चेंज, यहां पर क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, ध्यान रखें चेंज कैलकुलेट करते टाइम नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होगा, यानी कि 216 माइनस 180। So, 216 माइनस 180 ये कितना आ गया आपका, आपने चेंज देखा, दैट इज 36, ओके। मैं साइड में लिख देता हूं कि डेल्टा क्यू आपने कैसे निकाला, 216 माइनस 180, क्लियर, 36 आ गया। सर प्राइस में चेंज 16 माइनस 20, सर ये तो माइनस में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल कोई बात नहीं, आप इसको माइनस में लिखेंगे। सो डेल्टा पी इक्वल्स टू कैसे निकाला आपने, 16 माइनस 20। सर ये पी और क्यू क्या है, याद रखिएगा P का मतलब पहले वाला प्राइस, Q का मतलब पहले वाली क्वांटिटी, P का मतलब इनिशियल प्राइस और Q का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, तो दैट इज 20 अपॉन 180, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाता है आपका काटा काटा और ये भी काटा काटा, सो माइनस फोर अपॉन
माइनस फोर, वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस वन. सो ईडी इज माइनस वन. और एक चीज और खास बात इसमें, आप इसको ओनली वन भी लिख सकते हैं. माइनस का साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द रीजन बीइंग, ये माइनस का साइन बस ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, दैट्स ऑल. इसके अलावा और कुछ नहीं. क्लियर? तो अगर आप चाहे तो क्या कर सकते थे, डेल्टा क्यों आपने 36 लिया, डेल्टा भी कितना था, माइनस फोर सर. नहीं, अगर आप उसको फोर भी लिख दोगे ना, तो आपने फोर लिखा तो ये फिर माइनस नहीं आएगा, सिर्फ वन आ जाएगा. उससे आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बस इसमें ये आपकी प्रेजम्पशन है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो इसीलिए इन दोनों में से कोई एक क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा. तो इसीलिए वो नेगेटिव का साइन आपको लगाना है लगा सकते हैं, नहीं भी लगाया तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा. आप माइनस वन लिखो या वन लिखो, दोनों का मतलब सेम है. क्लियर? इज दैट क्लियर? आइए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, 30 seconds टू यू. उसके बाद क्वेश्चन अगले वाले पर चलते हैं. नोट कीजिए. कंप्लीट, डन. आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक इसी टाइप का करते हैं एक और उसके बाद फिर जो लेवल है वो चेंज करेंगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन सर. द सेकंड क्वेश्चन इज एट अ प्राइस ऑफ ₹50 क्वांटिटी डिमांडेड इज 300 यूनिट्स. ओके सर, इफ प्राइस बिकम ₹60 देन क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड become 255 units. Find ED. Okay, चलिए आपको टाइम दिया, आपको 1 minute 30 seconds का समय दिया. ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं. ठीक है, देखते हैं कितने कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते. चलिए ट्राई करिए फटाफट से इसको, 1 minute 30 seconds. डू इट. हाँ जी, कंप्लीट, डन किया आपने. आइए देखते हैं कितनों ने किया कितनों ने नहीं. सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया सर, हमने टेबल बनाई, वेरी गुड. प्राइस और इधर आया क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, प्राइस की वैल्यू अगर हम बात करें, प्राइस कितना है, पहले 50 है और उस टाइम पर क्वांटिटी कितनी है, 300.
सरप्राइज 60 होने पर ये 255 हुआ, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर अगर हम ईडी की बात करें तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सर हमने वैल्यूज पुट करी, कितना अगर डेल्टा क्यू देखें तो वो कितना आया, -45, इस बार माइनस ऊपर आ रहा है। प्राइस कितना आया चेंज, हाँ प्राइस का चेंज कितना है 10 है। उसके बाद आपका पी कितना 50, क्यू कितना 300। फाइन सर, हमने इसको सॉल्व किया, ये आ रहा है 6, सो -45 अपॉन 60, इसको सॉल्व करने पर 0.75 माइनस में, और जैसे मैंने बोला आप इसको 0.75 भी लिख सकते हैं विद नो डाउट। ओके, तो ये हमारा आंसर आया 0.75 और 0.75, क्लियर। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से पूरा हुआ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए। When price rise from rupees 20 to rupees 25, quantity demanded for the commodity प्राइस क्या हुआ है राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी फॉल्स बाय 50 यूनिट्स, फॉल्स बाय 50 यूनिट्स, या चलिए 60 कर लेते हैं, 60 यूनिट्स। ओके, इफ एडी इज 0.5 और माइनस 0.5, दोनों का मतलब सेम हुआ, एडी 0.5, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी एंड न्यू या फिर फाइनल क्वांटिटी। ओके, अब ये कैसे होगा सर, इसको बताइए, तो थोड़ा अलग हो गया। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा अलग हुआ। इसमें अगर आप देखें जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, इसमें अभी तक जो दो क्वेश्चन आपने करे उसमें ईडी आपको निकालनी होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें ईडी आपके पास अब अवेलेबल है और आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, कुछ क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी है, इनिशियल भी और फाइनल भी। सर अब ये कैसे होगा, देखो जी इसमें भी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। प्राइस पहले, सबसे पहले क्या, सबसे पहले टेबल बनानी है सर, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस कितना है 20 है और फिर 25 है, सर क्वांटिटी कितनी है, ध्यान दें क्वांटिटी तो आपको दी ही नहीं हुई दोनों में से कोई भी, दोनों क्वेश्चन मार्क हैं ये और यही निकालनी है। हां, इनके बीच का जो गैप है वो दिया हुआ है कितना 60, वो कितना दिया हुआ है 60, और इवन वो फॉल हुआ है तो उसका मतलब नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। खैर चलो एक काम करते हैं, मैं माइनस वाला फंडा हटाई देता हूं, ठीक है, अभी 60 लेकर चलो, ये बल्कि ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है 60 आ गया। हाँ, इसमें जो नई चीज है वो ये कि ईडी हमें पहले से गिवन थी 0.5, यहां तक क्लियर हुआ। हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब आगे अब क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अब ईडी की अब वैल्यूज जो जो आपके पास है उन्हें पुट करेंगे, भाई ईडी हमें 0.5 ऑलरेडी पहले से गिवन है, डेल्टा क्यू क्वांटिटी का चेंज भी हमें गिवन है कितना 60, डेल्टा पी का जो जो डेल्टा पी है वो भी आपको गिवन है कितना 5, भाई जो चेंज 25 माइनस 20, पी कितना है 20, सिर्फ एक ही चीज हमारे पास नहीं है क्यू, और डेफिनेटली वो निकल जाएगी। दोबारा बता दूं भाई, ये फॉर्मूला आपने लिखा, ठीक है, जो ईडी है 0.5 यहां पर आ गया, जो डेल्टा क्यू है क्वांटिटी का चेंज 60 वो आपका यहां पर आ गया, डेल्टा पी प्राइस का चेंज 5 रुपए वो यहां पर आ गया, पी मतलब जैसे मैंने बताया पहले वाला या फिर इनिशियल प्राइस 20 वो यहां पर आ गया, और क्यू नहीं पता तो वो हमने ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं,
दैट इज वेरी इजी, ये आपने काटा, ये कितना आ गया आपका 4, ठीक है जी। उसके बाद आपने 0.5 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दिया, ये 240 आ गया, 240 अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सो क्यू इक्वल्स टू 240 अपॉन 0.5, और इसको सॉल्व किया आपने, सो दैट इज विजिबल है, राइट विजिबल है, ये कितना आ गया 480, ओके। सो देयरफॉर इनिशियल क्वांटिटी कितना आया, यानी कि Q कितना आया 480, देयरफॉर सो नहीं सॉरी सो तो ऊपर आना चाहिए, सो इनिशियल क्वांटिटी 480, देयरफॉर फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 480 माइनस, भाई क्वांटिटी में क्या हुआ था, क्वांटिटी कहां गया, यस क्वांटिटी फॉल्स, बाय फॉल्स हुई तो माइनस करना है 420, 420, हाँ जी क्लियर। तो कोई 420 ही नहीं क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है और इसी पैटर्न पर इसको करना है, नोट कीजिए फटाफट से, एक मिनट आप लोगों के पास, जल्दी से। कंप्लीट डन, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, इसी के बिहाफ पर थोड़ा सम करेंगे, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय ₹12, ओके जी, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय ₹12, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, राइट राइज फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 480 यूनिट्स, ओके जी, इफ एडी इक्वल्स टू 1.5, ठीक है जी, आपको एडी कितना दिया, 1.5 दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्राइस, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकालना था इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी को, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफरेंट बात नहीं है, बस आपको क्या निकालना है, इनिशियल और फाइनल प्राइस। आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड का समय, कीजिए जल्दी से फटाफट। काफी लोगों का हो गया है, बाकी भी जल्दी करें। अरे सर कहाँ से बोल रहे हो आप, हाँ जी बिग बॉस चाहते हैं कि आप फटाफट से क्वेश्चन खत्म करें ताकि फिर पढ़ाने वाले टीचर आपके सामने आए।
कंप्लीट डन। हाँ जी बिग बॉस आ गए, अब क्वेश्चन चेक करते हैं, देखें कितनों ने सही करा। सर सबसे पहले हमने टेबल बनाई, ओके जी वेरी गुड, प्राइज आया, क्वांटिटी आई सर, अब आगे क्या करा आपने फिर बताइए। सर हमने टेबल बनाई तो ये प्राइस भी हमें नहीं पता, हमें ये प्राइस भी नहीं पता, लेकिन इनके बीच का गैप पता है कितना, 12, ठीक है। उसके बाद आगे, अच्छा भाई ये 121 नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, रुपीज़ 12, तो ये ऐसे है 12। उसके बाद क्वांटिटी कितना, 300, ये कितना हुआ 480, और ईडी गिवन था कितना 1.5, प्राइस क्या हुआ था 4। ओके सर फॉर्मूले में पुट करा हमने, सो ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये वाली वैल्यू आ गई। एंड उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी, ईडी था कितना, कहाँ गया, कहाँ गया, 1.5 था, डेल्टा क्यू कितना था आपका 180 था, डेल्टा पी सर 12 था, सर पी नहीं पता तो क्वांटिटी पता थी पहले वाली, वो कितनी है 300, ये लीजिए जी, अभी आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब 1.5 तो ये आपने जीरो काट दिया इधर से, सारे काट देते हैं, कट जाएगा, सो दैट इज 3 के टेबल से 10, 6 और 2, सो पी अपॉन ये कितना हो गया आपका 20। ओके डन, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सो पी आपका आ गया है 30, ठीक है, पी कितना आ गया आपका 30, तो यहां पे लिख देते हैं इनिशियल प्राइस इक्वल्स टू कितना 30 आपने कैलकुलेट करा, एंड देयरफॉर न्यू प्राइस कितना है 30 में से आपने 12 माइनस करे 18 आ गया, क्लियर। तो ये वैल्यू हमारी यहां पे डिटरमाइन होती है, होप आप सभी ने इसको बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है डन, हटा दें इसको, ओके सर हटा दीजिए, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए। अब अगेन थोड़ी कैटेगरी और चेंज करते हैं, थोड़ा जो लेवल है वो डिफरेंट करते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5, सर अब कौन सी कैटेगरी रह गई, अरे सर अभी तो बहुत बची है भाई, 5th क्वेश्चन लिखिए, इफ प्राइस राइज बाय 40% क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय, नहीं फॉल्स बाय नहीं करते, फॉल्स फ्रॉम 400 टू 280 यूनिट्स, फाइंड ईडी। ओके बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन एक लाइन में हमारा आ गया, बिल्कुल सिंपल सा, कि यहां पर बताया गया है कि जो पर्टिकुलर प्राइस है वो 40% से राइज हुआ है, क्वांटिटी फॉल होकर 400 से 280 हो गई है, सर इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी, पहला काम तुम्हारा वही है कि पहले हमें टेबल बनानी है, सो प्राइस इधर आ गया और उसके बाद आगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो भाई इसमें अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस राइज बाय कितने से, 40% से, ये राइज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड पहले 400 थी और अब कितना आ गया 280, सर इसमें अब क्या करें। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नाम की चीज नहीं है तो हमने वो डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा दिया था, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में परसेंटेज नाम की कोई भी वैल्यू आ जाए, परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी वैल्यू आ जाए, तो हमें क्या करना है उस सिचुएशन में, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान रखें ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको, पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। सर ईडी निकालना है, हाँ जी निकालना है, प्राइस का चेंज तो अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन सर क्वांटिटी का तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या हुआ उसको निकाल लेते हैं। ध्यान दो यहां पर अगर हम बात करें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा है ऐसे ही अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हालांकि इस क्वेश्चन में अवेलेबल है लेकिन अगर निकालना पड़े, सो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है ये आ गया। आइए अब इसको पुट करना सीखते हैं। अब यहां पर देखो भाई प्राइस का तो परसेंटेज चेंज अवेलेबल है, क्या नहीं है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, आओ लिखें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा क्यू कितना है क्वांटिटी का चेंज,
280 और 400 का गैप, तो -120 लगाना है, लगा सकते हो, चलो लगा लो -120, ठीक है। हालांकि नहीं भी लिखोगे तो भी चले जाएगा, क्योंकि आपका 400 और इन 200 ये काटा आपने, ये आ गया कितना आपका 30% और माइनस में। ओके सर, अब पुट कर देते हैं, बिल्कुल। देयरफॉर ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, 30% आपने निकाला माइनस में, और प्राइस कितना था आपका 40, सो द वैल्यू इज -0.75, और एज आई से नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा 0.75, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए इसको 30 सेकेंड्स, चलो 45 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। कंप्लीट, डन, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे भाई, ठीक है। और इसमें जो भी कंटेंट आपने अभी तक पढ़े हैं, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनकी सीरीज डिवाइडेड है डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, तो अभी स्टार्टिंग के 2-3 लेवल तो हमने कर लिए हैं, लेकिन कुछ बात के थोड़े से आपके कॉम्प्लिकेटेड से हैं वो बचे हैं अभी, लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी करेंगे उनको आने वाली क्लासेस में। आपसे बस मेरी एक ही उम्मीद है, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जितने भी क्वेश्चंस हो सके न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस कीजिएगा, एज यू नो कि सारा पॉसिबल नहीं हम क्लास में कर लें, तो काफी हद तक क्वेश्चन जो है आपको घर पर भी करने पड़ेंगे, तो आप उनको कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में हम जो बाकी डिफिकल्टी लेवल हैं उनको क्रॉस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में होपफुली हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू सून।